फ्रेंड्स, जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रवाह में से सब प्रवाहमान है। कोई भी परिस्थिति, चाहे खुशी की हो या गम की, कभी स्थायी नहीं होती, समय के अविरल प्रवाह में विलीन हो जाती है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकर जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम तत्कालीन परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण मात्र दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानी हमारे नजदीक आते आते हाथी के जैसा रूप धारण कर लेती है और हम उसकी विशालता और भयावता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। वो परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है, हमें हताशा और निराशा के भंवर में उलझा जाती है। एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत होता है और हम में से ज्यादातर लोग आशा की कोई किरण न देख पाने के कारण हताश होकर परिस्थिति के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाए तो उससे निकलने का एक ही उपाय है, बस चलते रहो। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चिंत ही डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहिए, क्योंकि हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस तावीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वो तावीज अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगलों में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की टापों की आवाज राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे, बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने तावीज पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत तावीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित होऊं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति सी छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। फ्रेंड्स, ये सिर्फ राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, ये भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा।